बांद्रा में 8.5 लाख रुपए रिश्वत लेते बीएमसी कर्मचारी गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बांद्रा चौक में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए कथित रूप से 8.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए नागरिक भवन और कारखानों विभाग के एक सब इंजीनियर को गिरफ्तार किया। अधिकारियों के मुताबिक गिरफ्तारी मंगलवार को की गई और बीएमसी इंजीनियर की पहचान मोहन राठौर के रूप में हुई है। अधिकारियों ने बताया कि उसके सहयोगी मोहम्मद शोहेब मोहम्मद रजाक खान को भी गिरफ्तार किया गया है। एससीबी के मुताबिक शिकायत कार्यकर्ता का बांद्रा वेस्ट के चैपल रोड में ग्राउंड प्लस 2 हाउस है। वेस्ट स्टॉप खुले में शौच को मजबूर। 16 जनवरी को शिकायतकर्ता को कथित अवैध निर्माण के बारे में बीएमसी का नोटिस मिला। उन्होंने कहा कि 9 फरवरी को वार्ड कार्यालय का दौरा किया, जहां राठौर ने कार्रवाई नहीं करने के लिए 9 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। उन्होंने एससीबी से संपर्क किया, जिन्होंने जाल बिछाया और दोनों को पकड़ लिया। अधिकारियों ने बताया कि खान को राठौर के कथित निर्देश पर शिकायतकर्ता से 8.5 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। अधिकारियों ने कहा कि दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जानकारी जारी है।